जय हिंद साथियों, मैं संजय कुमार पटेल आप सभी को तहे दिल से पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल के कंसेप्ट के बारे में, जो डेफिनेट आर्टिकल हम लोग देख रहे थे और इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे, यानी कि इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम लोग रूल पढ़ेंगे, तो पहला रूल ये कहता है हमारा ग्रामर डेफिनेट आर्टिकल। देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, समझ रहे हो ना, तो पढ़ क्या रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल पर, ठीक है। तो उसी का जो डेफिनेट आर्टिकल है, तो उसमें पहला जो रूल हम लोग कहता है व्हेन एससीएन यानी सुंदर काउंटेबल नाउन, यानी कि व्हेन सुंदर काउंटेबल नाउन कम सेकंड टाइम इन ए सेंटेंस, जब वो दूसरी बार सेंटेंस में आएगा तब आप आर्टिकल द का यूज करोगे। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? डेफिनेट आर्टिकल सबको को पता है, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है द, समझ रहे हो ना, बने रहो समझो प्यार। सेकंड टाइम्स कैसे समझोगे, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, नहीं देखोगे साथियों फिर आप दर दर भटकते रहोगे, दर दर घूमते रहोगे, कभी नहीं सीखोगे, समझ रहे हो ना। प्यार से देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, प्यार से देखना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव अ पेट, ठीक है। ये क्या था आपका, एक सेंटेंस था, यानी कि सेंटेंस नंबर, यानी कि सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर फर्स्ट एक बार हुआ, फिर इसी में हम जब लिखेंगे, जब दूसरी बार इस पेन की चर्चा करेंगे, देखो हमने पिछली क्लास में यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आए, देखो यहाँ पर पहली बार पेन आया था, एक बार नाउन है ये, और ये एक ही बार यूज हुआ, एक बार यूज हुआ था, तो इससे आर्टिकल ए लिया। पारी की सुनना एक बात, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे, आर्टिकल आसान होता उतना मुश्किल भी होता। जब इसी पेन की हम दोबारा चर्चा करेंगे किसी सेंटेंस में, उसी स्थान उसी मतलब पैराग्राफ में दोबारा चर्चा करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे पेन, हमने पहले बार लिखा आई हैव ए पेन, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, पेन इज वेरी कॉस्टली, क्या लिखेंगे, पेन इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर आर्टिकल ए लगेंगे या द लगेगा, आप लोग मुझे बता दो प्यार से, रूल देख लो क्या करे, व्हेन एस सी एन ये क्या था, सिंगुलर काउंटेबल है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है, पहली बार इसके यूज किया, जब इसी चीज के बारे में दोबारा चर्चा हो, दोबारा बातें हो, तो पहली बार आया तो इस पेन क्या था, हमारे लिए अनजान था, जैसे पेन हमारे पास आ जाता है तो हम इसके बारे में क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं अच्छा ये कलर इसका लाल है, ये कलर एक कलम महंगा है, इसके बारे में हम लोग जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। और हमने अभी शुरुआत इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको, जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो, नोन हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसके साथ आर्टिकल लोग द चिपका दें। मुझे बताना, जब आप कहीं पे भी जाते हो, किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या होता है, आपके लिए अनजान होता है ना, लेकिन उस व्यक्ति से एक बार मिल जाते हो उसके बारे में बातें कर, फिर वो आपके लिए जानकार हो जाता है ना, वैसे ही देखो सेंटेंस में पेन जो यहाँ पर पेन वर्ड है ये पहली बार आया अपने साथ, ये इनडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन जब ये पेन की दूसरी बार चर्चा किया, कहा कि आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम है, फिर कहता है कि ये कलम महंगी है, बहुत महंगी है, बताओ यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा या द आएगा, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, यानी कि जब दूसरी बार चर्चा हुआ आर्टिकल द लगता, यही तो रूल है आपका, एस सी एन कम सेकंड टाइम इन देन इट टेक्स डेफिनेट आर्टिकल द, ओके, कोई बड़ा सा रूल नहीं था। आज एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जांपल, ये सेंटेंस फर्स्ट था आपका, ये सेंटेंस दूसरा था, पहली बार ये नाउन था, दूसरी बार नाउन है, कोई दिक्कत, आ जाओ सेकेंड एग्जांपल देख लो, नहीं एग्जांपल्स आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, मुझे आशा है, चौथा दिखा रहे, आ जाओ ग्यारह सा पढ़ लेते हैं, जैसे कह रहा है कि आई हैव ए बुक, जैसे कहा आई हैव, ओके आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए, प्यार से समझना है शर्ट, लिख दिया
फिर इसी के बारे में चर्चा करूंगा। खाली स्थान दिया, लिखूंगा अब लिखूंगा कट इज ग्रीन, कट इज ग्रीन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो शर्ट इज ग्रीन लिखा हो, शर्ट इज ग्रीन भी लिख सकते हो, या तो स्लैश देकर लिख दो शर्ट इज न्यू, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, शर्ट इज ओल्ड, ठीक है, कुछ भी लिख दे। अब बताओ यहाँ पर आर्टिकल द आएगा कि ये, प्यार से समझ के बताओ, जो कंसेप्ट तो बता दिया ना, इसके दो तीन और लिखवा बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा, मुझे बता दो। प्यार से देखो साथियों, यहाँ पे इस सेंटेंस में एक बार चर्चा हुआ आर्टिकल ये शर्ट के बारे में, शर्ट क्या आपका नाउन है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनका मतलब नाउन हो, ये नाउन पहली बार आया, लेकिन यही नाउन फिर दोबारा आ गया। पैराग्राफ पढ़ते हो ना आप, देखो कहीं भी न्यूज़ पेपर पढ़ते हो तो पैराग्राफ फॉर्म में होता है, सेंटेंस 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 को एक में ज्वाइन किया होता है। हाँ, अभी आपको ज्वाइन करना नहीं आता तो ये भी सिखा दो, अरे भाई यहाँ पर लगा लो, लगा लो यहाँ पर बट लगा दो, लो सेंटेंस हो गया आई हैव ए पेन बट ही बट पेन इज वेरी कॉस्टली, मेरे पास कलम है लेकिन बहुत महंगी है। अब यहाँ पर लगा लो आई हैव ए शर्ट एंड एंड लगा लो यहाँ पे, लो एक ही सेंटेंस हो गया, बच्चे कन्फ्यूज नहीं हो, आप यहाँ पे एंड लगा लो तो मेरे पास शर्ट है और क्या है, शर्ट क्या है एंड शर्ट इज ग्रीन, देख सकते हो ना यहाँ पे, यहाँ पर नाउन भी यूज होगा लेकिन मैं यहाँ पे एंड जोड़ूंगा जब तक तो प्रनाउन की यूज होगा, तो हम एंड नहीं जोड़ेंगे। अब बताओ यहाँ पे शर्ट पहली बार आया था, दूसरी बार क्या हो जाएगा, दूसरी बार साथियों आपका यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि हम इस शर्ट के बारे में दूसरी बार चर्चा कर लिए और इसके बारे में पता चल गया कि ये आपका क्या है, ग्रीन कलर का है, न्यू है, यहाँ पे रेड कलर है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है वो तो फिर बता दो। समझ में आ रहा है ना, एक और एग्जांपल ले लो फिर रूल वन को हम फिट करेंगे आगे, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले लो, उधर रब करते इसके नोट करते चलना साथ, प्यार से जितना समझा रहा हूँ ना प्यार से आपको सीखना भी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दिस इज ए स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो ना, ठीक है, दिस इज ए स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए इसी में लिख सकते हैं क्या, खाली स्थान स्टूडेंट, स्टूडेंट इज नटी, स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट। लो अब बताओ यहाँ पे स्टूडेंट सब क्या लगाओगे, देखो इस वाले पार्ट में तो स्टूडेंट पहली बार आया था, और जब आप पहली बार मिल जाओगे मेरे से तो मैं आपके बारे में जान जाऊंगा ना, हाँ मेरे स्टूडेंट कैसा है, आपकी में जानकारी है ना मुझे, इधर से वर्तिका श्रीवास्तव जी, मनोज जी, सारे सब क्या है, जितने भी हमारे सब प्यारे स्टूडेंट हैं वो सब ब्रिलियंट है, गुलशन जी, ठीक है। तो दिस इज ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पहली बार जाने, लेकिन जैसे ही आप मेरे को मिल गए पहली बार तो आपके बारे में हमें क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपके बारे में जानकारी हो गई। जब आप दूसरी बार आपके बारे में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। बताओ ये वाला रूल समझ में आया कि नहीं, किस चीज़ को समझ में नहीं आया, एन के साथ आर्टिकल का यूज करते, रूल समझ में आ गया ना, प्यार साथियों बता दो। मैं छोटी छोटी फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में कि देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट जुड़ जाते हैं हमारे साथ जो बकवास की कमेंट करते हैं, उन सब से बचाने के लिए मैं प्रॉपर कंटेंट देने के प्रयास, और आप लोग इसको देखिए वीडियो को सीखने के प्रयास कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए इस चीज़ों के बारे में बताइए, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बस, और अभी हम लोगों का दिवाली छठ सब चल ही रहा है, मौसम पर्व का कभी इंजॉय कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो के सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।